हेलो स्टूडेंट्स, टूडेज़ टॉपिक इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आपां हुण तो पहला दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कर सक चुके हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अज अपना तीसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हम तो ये पता लग रहा है कादे लिए यूज़ करांगे। इस तो पहले वाले दो जेडे सी सिंपल माइक्रोस्कोप ते कंपाउंड माइक्रोस्कोप ओ की कादे लिए यूज़ कर रहे सी, आपां एक टाइनी ऑब्जेक्ट की मैगनीफाइड इमेज देखने लिए। इस आप करते हैं, इस एक अपनी की हेल्प करता है जो टेलीस्कोप है, ये इंस्ट्रूमेंट हैगा की है। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेजिज ऑफ हैवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा। जिहड़े अपने स्टार्स या प्लैनेट्स ने, जिहड़ी हैवनली बॉडीज़ ने, बहुत दूर ने, उन्हां दी इमेज देखण दे, उन्हां दी इमेज देखनी है तो आप की यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। जो दूर दी बॉडीज़ जो हैवनली बॉडीज़ होंगे ने, स्टार, प्लैनेट्स वगैरह, उन्होंने देखने लिए, उन्होंने इमेज देखने लिए आप जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उन्होंने कहने आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सिमिलरली जिमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आप दो लेंस यूज़ करते, टेलीस्कोप के भी आप दो लेंस यूज़ करा, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। इस एक डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस है जोड़ा। सेम चीज़, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू लेंसिज, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इतने आप ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ तो वह अपर्चर की लै रहे हैं, लार्ज लै रहे हैं। एंड आई लेंस का फोकल लेंथ तो अपर्चर की लै रहे हैं, समोल लै रहे हैं। कंपाउंड की करते सी, ऑब्जेक्टिव का आप फोकल लेंथ के अपर्चर समोल लेंदे सी एज कंपेयर टू आई लेंस। इतने रीज़न की है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ के अपर्चर लार्ज लैन का, ता कि जी इनफिनिटी तो जो ऑब्जेक्ट पे उस तो जड़ियाँ रेज आ रही ने उन्होंने मैक्सीम गैदर कर सके, ज़्यादा तो ज़्यादा ये अपर्चर पर आके वो गिरन, इस ज़्यादा तो ज़्यादा ये उन्होंने गैदर कर सके। इस करके आप करते हैं इहदा अपर्चर ते फोकल लेंथ की लैके चलते हैं, ज़्यादा लैके चलते हैं। दोनों एको ही प्रिंसीपल एक्सिस के उपर माउंट किए हुए हैं, तो ये भी रैक ते पिनियन अरेजमेंट्स होंगे ने, लेंस नूं हिला के आप अगे पिछे करके ट्यूब दे विच ने, इत्थे ट्यूब बनी हुई है, एक ट्यूब के सिरे ते एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, दूसरे पास की है अपने कोल आई लेंस है, तो आप लेंस नूं दी मूवमेंट करके आप इमेज नूं की कर सकते हैं, अगे पिछे एडजस्ट कर सकते हैं। हुण इहदी रे डायग्राम देखो किवें बनी हुई है, ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, आई लेंस स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। सब तो पहला हूँ जिहड़ी हैवनली बॉडी स्टार्स ने, गलैक्स प्लैनेट्स ने, वो की ने, दूर ने, इनफिनिटी ते ने, ते जिहड़ियां रेज होणगियां पैरलर रेज कित्थों हो रही ने अपने कोल, इनफिनिटी तो। हुण अपना ऑब्जेक्ट कित्थे है, इनफिनिटी ते है। अ पैरलर बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी इज मेड टू फॉल ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द टेलीस्कोप। जो इनफिनिटी तो रेज आई, ऑब्जेक्ट जो इनफिनिटी तो असं पैरलर रेज आई, कितने आई, मेड टू फॉल किसते आके ऑब्जेक्टिव लेंस से आके प, जिहड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस है, जिहड़ी रेज आईयां सी, इस तो बाद जदों इहदे विचों पास होकर गई आपां नूं की दूगा, एक उहदी इमेज दूगा, रियल होगी वो इमेज, इनवर्टड होगी, एक छोटी जी इमेज बन गई अपने कोल ए डैश एंड बी डैश। ये किन्ने बनाई है इमेज, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, किहदी इमेज है ये, जिहड़ा ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते पिया सी उसकी अपने कोल एक इमेज बन गई ए डैश एंड बी डैश। हुण अपने आई पीस नूं इस तरीके नाल एडजस्ट किया है ताकि जिहड़ी अपनी यह इमेज बनी है ए डैश बी डैश आई पीस के फोकस से आके पहुंचे। की किया अपने आई पीस नूं इस तरीके नाल एडजस्ट किया है कि जिहड़ी यह ए डैश बी डैश है कित्थे बन जावे इस दे फोकस से, ते जिहड़ी यह इमेज बनी है इस लेंस लई कादा काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हुण इस ऑब्जेक्ट का काम है यदि आपां नूं की बना के दिखाऊगा, वो मैगनीफाइड इमेज बना के दिखाऊगा। तो जो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो उस तो बाद अपने कोल की होया, जो ऑब्जेक्ट का काम इस चो रेज पास की तो अपने कोल फाइनल हाईली मैगनीफाइड इमेज इज फॉर्मड एट इनफिनिटी। तो जिहड़ी अपनी इमेज भी बनी है, मैगनीफाइड इमेज बनी है, वह भी कित्थे बन रही है अपने कोल इनफिनिटी ते। जो टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट होंदी है तो अपनी जिहड़ी इमेज है हमेशा की बनूगी, इनफिनिटी ते बनूगी। जिहड़ी फाइनल इमेज होगी, देखो इनफिनिटी ते इधर ही बन रही है, कितने इनफिनिटी से जाके मिल रही है, तो इरैक्ट होगी इस विद रिस्पैक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट। जे ए डैश बी डैश के विद रिस्पैक्ट टू देखिए तो वह की होगी, इरैक्ट होगी।
पर जे आपां इहदे अकॉर्डिंग देखिए जिहड़ा इह ऑब्जेक्ट ने तां उह की हो गया अपने कोल एंड इज़ इनवर्टड विद रिस्पैक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ये सिमिलर चीज़ा ने जिवें आपां ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे विच कीतियां सी। इत्थे अपने कोल हुण याद रखनी है इमेज कित्थे बनी है राजे, फाइनल इमेज इज एट इनफिनिटी। नैक्सट डायग्राम तुहानूं इन्नी चंगे देखण समझाउण दी जरूरत ही नहीं, सामने पई है पता ही लग रहा है। ऑब्जेक्टिव लैंस जो रेज पास कीतियां इमेज बनी ए डैश बी डैश। हुण जिहड़ियां इह सी इन्हां नूं अगे एक्सटेंड करके आपां ने आई लैंस चों पास कीतियां तां इत्थे किते नहीं मिलनियां, इह कित्थे जा रहियां ने इनफिनिटी ते की बन रही। जदों इन्हां नूं रिवर्स डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन दे विच देखने आ तां इह जिहड़ी इमेज है कित्थे बनदी है अपनी, जाके इनफिनिटी ते बनती है। हुण आपां पहला केस ते इह है जदों इमेज अपनी बन रही है इनफिनिटी ते। हुण आपां इहदी मैगनीफाइंग पावर फाइंड करांगे जदों इमेज बनी इनफिनिटी ते। दूसरा केस लवांगे आपां आई पीस दी एडजस्टमेंट करके भी अपनी जिहड़ी इमेज है कित्थे बने, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई, तो उत्थे फिर आपां की फाइंड करांगे मैगनीफाइंग पावर। मैगनीफाइंग पावर दी डेफिनेशन सेम रहेगी राजे, उही बीटा अपॉन अल्फा एंगल सबटेंडेड। एक बार तुम दस दिनी है दोबारा की है हूँ नॉर्मल एडजस्टमेंट। मैगनीफाइंग पावर आप फाइंड कर रहे हैं जो कि अपने को नॉर्मल एडजस्टमेंट। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली व्हेन फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ लाइज एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द आई। इतने लाइन ऐड करती भी दोनों कितने ने अपने इनफाइनाइट डिस्टेंस के ने आई तो। हूँ देखो एंगल केड़े बन रहे हैं, एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा तो थोड़ा पता ही है। ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है अल्फा, ए भी एंगल होगा अल्फा, इमेज एंगल बना रही है बीटा। तो आप दो ट्राइंगल लवेंगे, एक तो जिदे अपने को बीटा आ रहा होगा तो दूसरा अपने को आ रहा होगा अल्फा आ रहा होगा। एक ट्राइंगल आ बन गया अल्फा वाला तो दूसरा ट्राइंगल आ बन गया बीटा वाला। इतों आप टैन अल्फा तो टैन बीटा की फाइंड करांगे वैल्यूज। देखो डेफिनेशन दे अकॉर्डिंग एम इज़ ईक्ल टू बीटा अपॉन अल्फा, बट जे एंगल्स ने अल्फा तो बीटा कि ने बहुत समोल ने, तो आप अल्फा नू की लिखांगे टैन अल्फा, बीटा नू की लिखांगे टैन बीटा। देयरफोर जो इतने पुट किया तो अपने को एम कादे कोल आ गया टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। हुण इन्हां दोनों दी वैल्यूज फाइंड करनिया ने ट्रायंगल्स चो फाइंड होणगियां। पहला ट्रायंगल लै लिया इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी टू, केड़ा ट्रायंगल लै लिया अपने राजे ए डैश बी डैश सी टू आ वाला ट्रायंगल लिया। बीटा एंगल ये ही है तो इतों अपने कोल कादी वैल्यू आ जूगी टैन बीटा परपेंडिकुलर अपोन बेस ए डैश बी डैश अपोन सी टू बी डैश। अपने कोल टैन बीटा की वैल्यू आ गई टैन बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश सी टू बी डैश। हूँ फाइंड करनी है टैन अल्फा की वैल्यू, तो कहड़ा ट्रैंगल लवेंगे ए डैश बी डैश सी वन एंगल अल्फा सी, तो इतों अपने कोल की आजूगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश बी डैश अपॉन सी वन बी डैश। एक आदि वैल्यू आ गया अपने कोल टैन अल्फा की। ट्रैंगल केड़ा लिया सी इन ट्रैंगल ए डैश बी डैश सी वन, तो टैन अल्फा आ गया मेरे कोल ए डैश बी डैश अपॉन सी वन बी डैश। दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे एम दे विच, फोर एम इज ईक्ल टू ए डैश बी डैश सी टू बी डैश मल्टीप्लाई सॉरी सी वन बी डैश उपर चला गया ए डैश बी डैश नीचे कैंसल हो गया। एम की वैल्यू आजूगी सी वन बी डैश सी टू बी डैश। हूँ देखते हैं सी वन बी डैश से सी टू बी डैश की ने अपने को, देखो सी वन बी डैश आ इन्ना डिस्टेंस, ये की है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। सी टू बी डैश ये की है मेरे को फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। बट एक चीज़ याद रखनी है राजे, जिहड़ियां आपां इंसीडेंस लाइट की डायरेक्शन दे विच मेजरमेंट करते हों वो पॉजिटिव लैने हों, तो जिहड़ी ओपोजिट डायरेक्शन दे विच की लैने हों आपां नैगेटिव, तो इधर वाली इधर है लेंस तो ये की आजूगी नैगेटिव आजूगी अपने को। आप पुट कर दी इतने एम इज़ ईक्ल टू एफ नोट अपोन माइनस एफ ई, नैगेटिव साइन का पता लग गया। एफ नोट की है
फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एक ही है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस या फिर आप आई लेंस कह सकते हैं। ठीक है, ए आ गया अपने को मैग्नीफाइंग पावर, ए आ गया अपने को एक्सप्रेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट की है राजे, व्हेन बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट इनफिनिटी। जो अपना ऑब्जेक्ट भी ते अपनी इमेज भी दोनों कितने ने इनफिनिटी ते ने। दोबारा देख लो राजे, बहुत सौखा टॉपिक है। पहला था मैग्नीफाइंग पावर दी डेफिनेशन, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। बोथ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर वी कैन एक्सप्रेस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन अल्फा, बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन बीटा। पुट बोथ दीज वैल्यूज इन मैग्नीफाइंग पावर, एम इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ टेन बीटा एंड टेन अल्फा। टेक ट्रैंगल ए डैश बी डैश सी टू, इतनी दस दिनी हाँ, ए डैश बी डैश सी टू, टैन बीटा की वैल्यू, टैन बीटा इज ईक्ल टू ए डैश बी डैश अपॉन सी टू बी डैश। टैन अल्फा इन दिस ट्रैंगल ए डैश बी डैश सी वन, टैन अल्फा इज ईक्ल टू ए डैश बी डैश अपॉन सी वन बी डैश। टैन थीटा थोनू पता ही है राजे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपन दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई, पुट बोथ दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर एम इज इक्वल टू सी वन बी डैश एंड सी टू बी डैश। नाउ वट इज सी वन बी डैश, सी वन बी डैश फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, सी टू बी डैश फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। बट आई पीस की फोकल लेंथ आप की लै रहे हैं इतने नैगेटिव, बिकॉज डायरैक्शन की है इंसीडेंस लाइट तो मेजरमेंट की ओपोजिट डायरैक्शन, इतने यदि वैल्यू की आएगी नैगेटिव। देयरफॉर दिस इज द एक्सप्रैशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट एफ नोट अपॉन माइनस एफ ई। ए सी राजा अपना एक केस, हूँ दूसरा केस है जो अपनी इमेज है जी ऑब्जेक्ट की, पर ऑब्जेक्ट हजे भी इनफिनिटी पर है, जोड़े स्टार्स ने प्लैनेट्स उन्होंने थोड़ी नीचे ले आवेंगे, वो इनफिनिटी पर पे अपना ऑब्जेक्ट, पर अपनी हूँ इमेज है जी कितने बन रही है, एटलीस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डायग्राम देखो, वैन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी फ्रॉम द आई। देखो उवें सिमिलरली ऑब्जेक्टिव लेंस आई लैस, हूँ इतने अपनी एक इमेज बन रही है फोकल लेंथ से, फोकस से बन रही है ऑब्जेक्टिव लेंस से, सेम है राजे सारा कुछ। ये हूँ जिहड़ा इमेज है एक आधा काम कर रही है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, जो इस लेंस चो इन्हों अगे एक्सटेंड कीतियाँ इधर तो यह कित नहीं मिल रही, पर जो इन्होंने ओपोजिट डायरैक्शन के लैके जावे इतने जाके आपस में की कर रही ने मीट कर रही ने, तो इतने अपने को जी इमेज बनी है वह की होगी फाइनल इमेज होगी, तो वह बनी कितनी है एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। डिस्टेंस डिस्टिंक्ट डिस्टेंस थोनू पहला भी दस्या सी की सी, लीस्ट डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस एट विच आई कैन सी क्लीयरली द ऑबजैक्ट विदाउट एनी स्ट्रैस। वो घट्टो घट डिस्टेंस जिस डिस्टेंस से आईज किसी ऑबजैक्ट को क्लीयरली वेख सकदियां ने अखां ते बिना कोई स्ट्रैस पाए, उस डिस्टेंस नूं आपां की कह दिंदे आ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सिमिलरली देखो पैरलर रेज आईयां, लार्ज अपर्चर सी, सारियां इन्हें गैदर कर लिया, इन्हें इमेज बनाती थी ए डैश बी डैश फोकस से ऑब्जेक्टिव लैंस से। यह जो लैंस की जी सॉरी इस लैंस ने जी इमेज बनाई है, हूँ वो इमेज इस लैंस लई कादा काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का लैंस काम कर रही है, तो यह डिस्टेंस कितना हो गया राजे अपने को यू ई, ई डिनोट किया आई लैंस लई, इतों तो लैके इतने तक की है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लैंस एफ नोट। ये इस इमेज का डिस्टेंस इस दे ऑप्टिकल सेंटर सी टू तो किन्ना है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दिस एंगल इज अल्फा मेकिंग बाय ऑब्जेक्ट,
एंड इट इज़ एंगल बीटा इमेज बना रहे हैं। मैगनीफाइंग द पावर तो राजे हूँ इतने डेफिनेशन एक थोड़ा जहा डिफरेंस आऊगा। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आ लाइन ऐड हुई है, हूँ अपनी जी फाइनल इमेज है कितने है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी। दोनों की रेशियो इमेज कितने बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ते, पर जोड़ा अपना ऑब्जेक्ट है वह कितने है, इनफिनिटी ते है। तो देखो राजे ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है, उदे लई जिहड़े दोनों लेंस ने बहुत नेड़े नेड़े होणगे, मतलब कि C1 एंड C2 बहुत नेड़े होणगे ऑप्टिकल सेंटर। तो जिहड़ा एंगल ऑब्जेक्ट C2 ते बना रहा वह किहदे इक्वल होगा, ऑलमोस्ट C1 ते बन रहा, जिहड़ा अल्फा जिहड़ा एंगल C1 ते बना रहा ऑलमोस्ट जिहड़ा C2 ते बना रहा, दोनों आपस दे विच की होणगे, वह सेम होणगे। मैंने मान लिया जिहड़ा C1 ते बनाया सी अल्फा, सिमिलर डायग्राम है राजे, एंगल अल्फा एंगल बीटा, डेफिनेशन एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, बार बार दसने की लड़ नहीं, 3-4 बार ऑलरेडी दस चुकी, एम की वैल्यू टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। हूँ आप फिर आप करा इतने टैन बीटा एंड टैन अल्फा दैल्यूज़ की करा फाइंड कर। सब तो पहले आप ट्रैंगल लवेंगे, टैन बीटा की फाइंड करनी है, ए डैश बी डैश सी टू, सिमिलर हूँ ही करा के हटी है थोड़ा अजे पिछे 2 मिनट पहला, ए डैश बी डैश सी टू, इतों आऊगी अपने को टैन बीटा दी वैल्यू, फाइंड कर लिए पहला इन ट्राएंगल ए डैश बी डैश सी टू, टैन बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन सी टू बी डैश। हूँ आपने एक फाइंड करनी है टैन अल्फा दी वैल्यू, ट्राएंगल देखो कि लवेंगे दिस वन ए डैश बी डैश सी वन, दिस ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी वन, सिमिलर है राजे जिम्मे पिछले वाले च लिया सी, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी वन, सिमिलरली ए डैश बी डैश अपॉन सी वन बी डैश, एम च पुट कर दिए ए डैश बी डैश अपॉन सी टू बी डैश सी वन बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, कैंसल हो जूगा, एम आ जूगा सी वन बी डैश अपॉन सी टू बी डैश। हूँ आपने देखना ए वन, सॉरी ठीक है राजे, सी वन बी डैश तो हुई अपने को, सी वन बी डैश तो अपने को किया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पुट कर दो, एम इज इक्वल टू एफ नो। हूँ देखो सी टू बी डैश, सी टू सॉरी बी डबल डैश आऊगा राजे, इतने गलत हो गया अपने को, टैन बीटा की वैल्यू गलत पुट की गई है, की ट्रैंगल लेना सी हूँ आपने ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, तो अपने को चीज़ ले जाऊगी, नहीं ठीक है राजे, आ देखो ठीक है कोई गलती नहीं, अपने को हूँ की फाइंड करना सी आपने सी टू बी डैश, सी टू बी डैश ए की है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू ई अपॉन यू ई, पर आप लैना की है हूँ इतने नैगेटिव लैना क्योंकि डायरेक्शन की है अपने को ऑब्जेक्ट ओपोजिट, ए की है सिमिलरली फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, नीचे की है मेरे को डिस्टेंस ऑफ ए डैश बी डैश एज ऑब्जेक्ट फोर आई लेंस, ए डैश बी डैश जिहड़ी अपने को इमेज बनी सी पहले ऑब्जेक्टिव लेंस नाल वो ऑब्जेक्ट दे काम कर रही है, तो की सी डिस्टेंस सी, आ देखो आ डिस्टेंस है सी टू तो लैके बी डैश का जोड़ा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उन्होंने आप कहना यू नोट डिनोट करते होंने, इतने आई तो पाया क्योंकि यह आई लेंस के लिए, तो मेरे को एम आ गया एफ नोट अपॉन माइनस यू ई। हूँ फोर आई लेंस, फोर आई लेंस मैं लेंस फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, यही होंगे अपने को लेंस फॉर्मूला। टेकिंग देखो यू किन्ना लिया, हूँ मैंने इतने माइनस यू ही लिया, हूँ ही दस के हटी हाँ, फोकल लेंथ की लूँगी मैं यदि एफ ई नाल डिनोट कर लूँगी, इमेज का डिस्टेंस किन्ना, हूँ देखो जी फाइनल इमेज बनी आई लेंस लिए डिस्टेंस किन्ना है डी,
ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਡੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਟੂ ਬੀ ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਵਨ ਪੋਨ ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਪੋਨ ਮਾਈਨਸ ਯੂ ਈ ਵਨ ਪੋਨ ਐਫ ਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯੂ ਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਲੱਸ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ ਵਨ ਪੋਨ ਯੂ ਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਵਨ ਪੋਨ ਐਫ ਈ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪੋਨ ਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਇਹ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮਾਈਨਸ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਵਨ ਪੋਨ ਐਫ ਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਵਨ ਪੋਨ ਐਫ ਈ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਮਨ ਅੰਦਰ ਵਨ ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਫ ਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਐਫ ਈ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਵਨ ਪੋਨ ਐਫ ਆਈ ਇੰਟੂ ਵਨ ਪੋਨ ਐਫ ਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਵਨ ਪੋਨ ਐਫ ਈ ਪਲੱਸ ਐਫ ਈ ਨਾਲ ਐਫ ਈ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਇਕੱਲਾ ਵਨ ਪੋਨ ਡੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਵਨ ਪੋਨ ਯੂ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਏ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਨੋਟ ਅਪੋਨ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਨ ਪੋਨ ਯੂ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਅਪੋਨ ਐਫ ਈ ਵਨ ਪਲੱਸ ਐਫ ਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਫਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਕਦੋਂ ਇਹ ਵੈਨ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਫੋਰਮਡ ਐਟ ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇ ਸੀ ਟੂ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਓਬਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਲੈਂਸ ਫੋਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਨ ਪੋਨ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਪੋਨ ਯੂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਨ ਪੋਨ ਐਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਓਬਜੈਕਟ ਮਾਈਨਸ ਯੂ ਈ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਐਫ ਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਇਮੇਜ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੇ ਵਨ ਪੋਨ ਯੂ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਵਨ ਪੋਨ ਐਫ ਈ ਇੰਟੂ ਵਨ ਪਲੱਸ ਐਫ ਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਨੋਟ ਅਪੋਨ ਐਫ ਈ ਵਨ ਪਲੱਸ ਐਫ ਈ ਇੰਟੂ ਡੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਓਬਜੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਨਵਰਟਡ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਟਡ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਨੋਰਮਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਨੋਰਮਲ ਸੈਟਿੰਗ ਇਨ ਨੋਰਮਲ ਸੈਟਿੰਗ ਆਫ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਨੋਟ ਅਪੋਨ ਐਫ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੀਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਊਗੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਨੋਟ ਅਪੋਨ ਐਫ ਈ ਵਨ ਪਲੱਸ ਐਫ ਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਫੋਰ ਲਾਰਜ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਫੋਰ ਲਾਰਜ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਸੋਰੀ ਪੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਰਜ ਐਜ਼
कंपेयर टू आई लेंस, जिहड़ी फोकल लेंथ ते अपर्चर होना चाहिए ऑबजैक्टिव लेंस का की होना चाहिए लार्ज ज़्यादा होना चाहिए। जे आप चाहते हैं कि जिहड़ी टैलीस्कोप की मैगनीफाइंग पावर ज़्यादा होवे तो ऑबजैक्टिव लेंस का अपर्चर ते फोकल लेंथ की होनी चाहिए है, ज़्यादा होनी चाहिए है। क्यों? जिन्ना ज़्यादा अपर्चर उन्नी ज़्यादा वो लाइट नू इनफिनिटी तो ऑबजैक्ट की तो जी रेज आ रही उन्होंने की करूँगा गैदर करूँगा। ये राजे अपना मैगनीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टैलीस्कोप। इंपोर्टेंट टॉपिक ने राजे, पेपर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तिना चो कोई भी। सिंपल माइक्रोस्कोप की हुंदा है, रे डायग्राम बनाओ उदी ते उदी मैगनीफाइंग पावर फाइंड करो। ए सिमिलरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप ते एस्ट्रोनॉमिकल टैलीस्कोप डायग्राम बहुत इंपोर्टेंट है राजे। इहदी आ वाली रे डायग्राम चंगी तरह तुसी बनाउणी है ते चंगी तरह समझनी है। आई होप थोनू अज दा टॉपिक समझ लग्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।